अब से करीब 6 महीने पहले जब CDS विपिन रावत जी शहीद हुए तो सबसे ज्यादा दुख इस देश का युवा मना रहा था। सबका कहना था कि देश का एक वीर सपूत शहीद हो गया, एक ऐसा सैनिक हमारे बीच से चला गया जो भारतीय सेना बल को विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना सकता था। दरअसल CDS विपिन रावत जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वो सभी युवाओं के, खासकर उन युवाओं के मन पर छा गए थे जो डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते थे। काफी लोगों ने तो उन्हें अपना आइडल ही बना लिया। मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे आसान काम किसी व्यक्ति को अपना आइडल बना लेना होता है, लेकिन ठीक उसके विपरीत उसी इंसान के नक्शे कदम पर चलना इस दुनिया का सबसे कठिन काम। अगर बिपिन रावत जी के जैसा देश प्रेम इन लोगों के अंदर होता तो जो हाल आज पूरे देश को देखना पड़ रहा है वो कभी ना होता। भारत में जहां एक सैनिक को भगवान माना जाता है, वहीं आज सैनिक बनने की इच्छा रखने वाले इन लोगों का राक्षसी रूप देखने को मिल रहा है। इन्हें सड़कों पर बच्चों की किलकारियों की आवाजें नहीं सुनाई दे रही, इन्हें नहीं दिखाई दे रही महिलाओं की असुरक्षा, इन्हें नहीं समझ आ रहा बूढ़े लोगों का इनके दंगों में फंस जाना, इन्हें आज कुछ नहीं पता चल रहा, इन्हें तो बस मुंह पर कपड़ा बांधकर देश को आग लगाने में मजा आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों ने कभी बिपिन रावत जी के विचारों को समझा ही नहीं, समझना तो दूर शायद इन्होंने कभी उन्हें सुना ही नहीं। इन्हें इन लोगों ने अपना आइडल इनके विचारों से नहीं बल्कि इनकी पोजीशन और उसके रुतबे की वजह से बनाया। ये लोग केवल सरकारी संपत्ति को ही नहीं तोड़ रहे बल्कि तोड़ रहे हैं सैनिक पर जमे एक आम नागरिक के विश्वास को। ये लोग देश के साथ साथ सैनिक और जनता के अटूट प्रेम के रिश्ते को भी आग लगा रहे हैं। इन लोगों को आज CDS विपिन रावत जी की वो वीडियो देख लेनी चाहिए जिसमें उन्होंने एक सिपाही का मतलब और उसका कर्तव्य समझाया था। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकालो। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। देश का सिपाही बनने के लिए केवल मेडिकल, फिजिकल और रिटन टेस्ट ही पास करना नहीं होता बल्कि देश प्रेम के साथ ही समझदारी भी जरूरी है। अगर ये लोग समझदार होते तो अपनी बात को शांति से सरकार तक पहुंचाते, उनके सामने मांग रखते और इस मसले को प्यार से सुलझाने की कोशिश करते। इन दंगाइयों के ऐसे काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें काफी लोगों को ये तक नहीं पता कि वो किसका और क्यों विरोध कर रहे हैं। बस इनको पता है तो केवल ये कि इन्हें विरोध करना है। छात्र का मांग यही है कि वापस लीजिए जो आपने लिया है। क्या वापस लेंगे? क्या लिया जाए वापस? कानून बात पर वापस लीजिए। कौन सा कानून? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये जो अग्निपथ योजना है इसमें है क्या? ये किसी भी तरह से कैंसिल हो जाना चाहिए। ये है क्या योजना? ये योजना के बारे में बताइए। इसके लेकर आप धरना पे बैठेंगे? हमको इतना नहीं पता। क्या हमको इतना भी नहीं पता है? नहीं पता है। ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों पर भी उन्हीं दंगाइयों का असर पड़ा है जिनके चरित्र में केवल गद्दारी और बगावत है, जिनकी वजह से इस धरती ने हमेशा दंगे देखे और दंगों में उनका घिनौना रूप। तभी इन्होंने सैनिकों पर पथराव किया और देश में आग लगाई। इसी बीच देखने को ये तक मिला कि इन लोगों ने आसपास की दुकानों को भी लूटा। सच बताऊं तो मन में यही सवाल उठता है कि कहीं इन लोगों के हाथों में जाकर भारत माँ की सुरक्षा संकट में तो नहीं पड़ जाएगी? जो हाल आज तक पाकिस्तान देखता आया है कहीं वैसा हाल भारत को तो नहीं देखना पड़ेगा? सवाल बहुत बड़ा है लेकिन स्थितियों को देखते हुए उठना भी जायज है। इस मामले में सरकार को कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा मानना है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन्हीं से नुकसान की वसूली कर साथ ही इन्हें सभी सरकारी सुविधाओं से दूर रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में खासकर ऐसे लोगों की जो सिपाही की नौकरी करना चाहते हैं उनकी गलत कदम उठाने की हिम्मत ही न हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये आपके हाथों में है, लेकिन इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर करना जो इन दंगों का समर्थन कर रहे हैं।